पुलिस का यहाँ का है कि हमारी एंट्री रेस्ट्रिक्ट है, ये जिम्मेदारी आपके लिए। For the past 2 hours, I've been continuously asking the DCP who is in next door car. He's been not replying to me as to why I'm detained, whether there is detention, whether this is arrest, what right you have, under what, which section, under which provision you've been keeping me here confined. They have absolutely no answer. This is purely a case of illegal detention and confinement. This is unconstitutional. I was here to go to Nagore and talk about Dr. Babasaheb Ambedkar and the values of Indian Constitution. They said there is section 144 imposed and your entry and movements are restricted. Here is the order. I accepted. I said nothing doing. I won't go there. No issue. I agree with you. I won't go there. But why here? Why my entry is restricted in entire Rajasthan? How can they do it without an order? What the police has mentioned is that the situation is volatile, that there can be, you know, the situation can be aggravated, and that is why you have been detained and so you can be asked to return so from giving, Jaipur Airport. So giving respect to that order, I'm not going to Nagore. But can that be the case that I'm not allowed to boot in any part of Rajasthan? This is purely unconstitutional. यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मनुस्मृति के लिए मनुस्मृति के ऊपर बात करने जाने वाला होता उसको परमिशन देते, लेकिन मैं बाबा साहब और संविधान के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो उनको तकलीफ हो रही है। ये वसुंधरा राजे सरकार का ट्रू कैरेक्टर है। Do you think the Rajasthan government is scared? आपको लगता है कि वसुंधरा राजे डरी हुई है? Absolutely, वरना क्यों मुझे इग्नोर करे ना? मुझे करने दे, मुझे राजस्थान में जो बात रखनी रखने देना दलितों के बीच में, युवा के बीच में। लेकिन उनको मालूम है कि जिग्नेश आएगा तो गुजरात मॉडल 22 साल में कुछ डिलीवर गुजरात में नहीं किया, यही बात राजस्थान की जनता को भी बताएगा। पूछेगा कि 2 करोड़ युवा के रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख जो विदेशी बैंकों में पड़ा हमारे अकाउंट में आने वाला था उसका क्या हुआ, और क्यों नहीं रुक रही है किसानों की आत्महत्या, क्यों मजदूरों का इतना शोषण हो रहा है मोदी जी के शासन में, क्यों ऊना में दलितों का चमड़ा उधाड़ा जा रहा है, क्यों भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को अनशन पे बैठना पड़ा है, क्यों राधिका वेमुले को आज भी जस्टिस नहीं मिला। ये सारे सवाल मैं ना उठाऊं इसीलिए मेरी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आऊंगा, बार बार आऊंगा, और इस चुनाव के दौरान तो खास आके वसुंधरा राजे की सरकार को बजा चुकाऊंगा। क्या आप राजस्थान में जो इस साल चुनाव होने हैं उस दौरान कैंपेनिंग करेंगे? अगर करेंगे तो किसके लिए करेंगे? थ्रू आउट राजस्थान कैंपेन करूंगा मैं, राजस्थान की जनता के लिए करूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी के सामने जो बिल्कुल ही संविधान में नहीं मानती, जिसने दलितों का चमड़ा उधेड़ने में कुछ बाकी नहीं रखा, जिन्होंने हमारे एट्रोसिटी के कानूनों को भी खत्म कर दिया, और इस देश के 2 करोड़ युवा के साथ फ्रॉड और चीटिंग किया है, 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस देकर 1-2 लाख लोगों को भी ढंग से रोजगार नहीं मिला। तो डेफिनेटली वसुंधरा राजे सरकार के सामने आई विल गो ऑल आउट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। जो 2 तारीख को दलितों का प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उस दौरान काफी वायलेंस भी बताया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि बिल्कुल वायलेंस का तो मैं किसी कीमत पे समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एलिगेशन लग रहा है ना कि दलितों ने वायलेंस किया, हकीकत तो ये है जो 11 लोग मारे गए वो सारे के सारे दलित, तो हम तो वायलेंस के शिकार बने हैं। और राजस्थान में नीमका थाना हो, रानीवाड़ा हो, कितने फर्जी मुकदमे दर्ज किए। 10 साल पहले जो आदमी मर गया उसके सामने ऑफेंस दर्ज, जो आदमी पिछले 4 साल से सिलिकोसिस की बीमारी के चलते खटिया में पड़ा है उसके सामने ऑफेंस दर्ज। पतली सी सूखी हुई कुपोषित बहन है उनके ऊपर किसी पुरुष की हत्या की धारा 307 के तहत ऑफेंस दर्ज किए। इतने फ्लॉल्स और फ्रिवलेस केसेस दर्ज किए गए राजस्थान की पुलिस के द्वारा वसुंधरा राजे के कहने पर।